पार्टी से असंतुष्ट समूह 23 की अगुवाई वाले आजाद और नेतृत्व के बीच रिश्तों में फिर मिठास घुलती दिख रही है। कांग्रेस नेता भी उनके नाम को लेकर अब नरम पड़ता जा रहा है। हालांकि इस सीट के लिए एक पैनल कांग्रेस अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, जिसमें दो अन्य नाम भी होंगे। इस सिलसिले में राज्य के प्रभारी दिनेश गुंडूराव महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं। तमिलनाडु की 3 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने हैं। चूंकि राज्य में कांग्रेस की द्रमुक ही सहयोगी पार्टी है, इसलिए उसने भी एक सीट की मांग रखी थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनने के पहले 25 विधानसभा और 1 राज्य सीट पर दावा किया था। तमिलनाडु में कांग्रेस के 18 विधायक हैं। द्रमुक के सहयोगी से यह सीट जीती जा सकती है। बताया जा रहा है कि नेताओं से आजाद के बेहतर रिश्ते रहे हैं, इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। इसी साल 15 फरवरी को आजाद ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा किया था। आजाद बहुत लंबे समय से राज्यसभा में चुनकर आ रहे थे। उनके रिटायरमेंट पर 9 फरवरी को सदन में विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।